नहीं, स्टोर गोल्ड 10 के बारे में मेनली, इसके अंदर ड्रा कौन सी थी, स्प्रिंग 75 mg, एट्रो वेस्टिडिन 10 mg, क्लोपी डोग्रेल 75 mg इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेरे लिए यह काम किसके अंदर आती है, यह बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में जमे हुए एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्लड क्लॉट जैसे कोलेस्ट्रॉल अंदर जैसी समस्याओं को ठीक करने में काम आती है। खून का थक्के को डिजोल्व करने के लिए दी जाती है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और हार्ट पंपिंग में दिक्कत आती है, उसके ट्रीटमेंट में भी काम आती है यह टेबल कैप्सूल। मेनली काम कैसे करती है, हाउ इट इज़ वर्क, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है तीन मेडिसिन का, मेनली एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल, एक तरह की एंटी प्लेटलेट होती है, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट खून के थक्के को डिजोल्व करने में काम आती है, जैसे खून का ब्लड क्लॉट बनने नहीं देती। और एट्रोवेस्टिडिन एक तरह का लिपिड लोअरिंग ड्रग होता है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है और रेज इंक्रीज करता है गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, HDL। मेनली इसकी डोज क्या होती है, रात को एक कैप्सूल, वो भी एक फिक्स टाइम पहले डॉक्टर द्वारा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोज सेट की जाती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, नोसिया, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, कोई भी साइड इफेक्ट लगे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके प्रिकॉशन, अल्कोहल का यूज़ मत करें, प्रेगनेंसी वुमन, ब्रेस्टफीडिंग वुमन, किडनी प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फॉर अडल्ट यूज़ ओनली।